हेलो गाइस, हम ले गए हैं आज अपना रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लैपटॉप। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड बाय, एंड जो भी डिटेल्स हैं आप इस पर देख सकते हैं गाइस। तो हम अब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके साथ गाइस हमें एक बैग मिला है टफ गेमिंग का। ये गेमिंग लैपटॉप है, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप। इसके साथ तो हमें गैस एक माउस मिला है एसुस का, WT3300 का। इसकी हम अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि आप इसको देख सकते हैं। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गैस देखिए कितना अच्छा लैपटॉप है। गैस हमें इसके साथ तो बैग्स मिले, ये एक बैग है और इसके अंदर एक और बैग है। हमारा लैपटॉप UN3481 एंड इसका जो लोगो है गाइस रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का, इसका आप लोगो देख सकते हैं। UN3481 इंटरनेशनल। तो वैसे अब इसको हम अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं। इसका अंदर का सीन देखिए गाइस, इस पर लिखा हुआ फॉर दोज हु डेयर। इसका तो आप मतलब तो समझ गए होंगे गाइस। अब देखते हैं, ये है हमारा लैपटॉप, रॉकफ्लो X13 गेमिंग लैपटॉप। इस पर लिखा हुआ रॉकफ्लो X13 गेमिंग लैपटॉप, विंडोज 11, राइजन 9। ये है हमारा रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लोगो, रॉकफ्लो X13 का लोगो, लेटेस्ट वर्जन है। इसके साथ हमें ये टच पैन मिला हुआ है गाइस। इसकी हेल्प से हम YouTube पर अगर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट है जो हमारा, हम उसको, हमारे जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना चाहते हैं आप लोगों को, तो इसकी हेल्प से हम अच्छी से अच्छी वीडियो भी बना सकते हैं इस पेन से। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके साथ हमें AC अडेप्टर चार्जर मिला हुआ है, जो कि 1.6 एम्पीयर का है। और इस पर ये लोगो बना हुआ है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स एसुस रॉकफ्लो X13 का। ये पेन है, ये हमारा लैपटॉप है। तो गाइस हमें हमारे लैपटॉप के साथ ये सब सामान मिला हुआ है। टफ गेमिंग का बैग है और ये है हमारा रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का लैपटॉप। ये हमारा लैपटॉप है, आप इसका प्रोसेसर देख सकते हैं, राइजन 9 है, 512 GB SSD है और 16 GB रैम है। तो गाइस ये हमें इस जो भी आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो गाइस अब हम अपने लैपटॉप को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लैपटॉप है गाइस, फुल HD डिस्प्ले और बैकलाइट कीबोर्ड है। तो गाइस ये हमारा लैपटॉप अब स्टार्ट हो रहा है। गाइस इसका आप लोगों देखिए, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ आ रहा है, रॉकफ्लो X13 लैपटॉप एसएस। तो गाइस हम आप इसकी सेटिंग में ले जाके देखते हैं, सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। तो गाइस अब हम इस अपने PC के बारे में देख सकते हैं, एवर्टी और PC। तो गाइस इसमें
हमारा जो पीसी है ये टच स्क्रीन है और डिवाइस नेम है डेस्कटॉप HD4VQ59। प्रोसेसर है AMD राइजन 9 है 6900HS विद रैंडम रेडियन ग्राफिक्स 3.330GHz। इंस्टॉल रैम है इसमें 16GB रैम है और 15.2GB यूजेबल है। और डिवाइस आईडी आप देख सकते हैं गाइस, और हमारा प्रोडक्ट आईडी, सिस्टम टाइप 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, X64 बेस्ड प्रोसेसर, पेन एंड टच है गाइस। हमें इसके साथ जो पेन मिली हुई है, देखिए गाइस मैं आपको इस अपने पेन से दिखाता हूँ, इसके साथ हमें इसके साथ जो पेन मिली हुई है आप इसके टच कर सकते हैं, जो कुछ भी टच करना चाहते हैं। पेन एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, पेन एक्टिवेट नहीं हुई है गाइस, सॉरी फॉर। और हम आपको नीचे इसी से दिखा सकते हैं, हमारा जो टच स्क्रीन का पता है विंडोज 11 ऑन सिंगल लैंग्वेज है, वर्जन 22H2 और इंस्टॉल वाइज जो प्रोसेसर उसमें 3324 वॉइस बिल्ड है। एक्सपीरियंस विंडो फीचर एक्सपीरियंस पैक का आप देख सकते हैं, वेबसाइट सपोर्ट और असिस्ट है। और बाकी जो डिटेल्स हैं गाइस आप देख सकते हैं, ट्रेड इन रिसाइकल योर पीसी, प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन, रिमोट डेस्कटॉप, डिवाइस मैनेजर, बिट लॉकर, पर्सनलाइजेशन में देखते हैं गाइस, बैकग्राउंड कलर, थीम्स, कलर्स, टास्क बार, फोन्स, डिवाइस यूजेस, एप्स, टच स्क्रीन का गैस एक फायदा तो है, बटन में ना होगा अंदर एक, ताकि आपको एक्टिवेट नहीं होगा ना सेल, उसको कुछ ना कुछ किसी तरह रोके होंगे, पूरा निकाल फिर डाल उसमें। वैसे हमारा लैपटॉप राइजन का बैकलेट कीबोर्ड है गैस, अभी हमने बैकलेट कीबोर्ड एक्टिवेट नहीं किया इस वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे, लेकिन ये बैकलेट कीबोर्ड है राइजन का 9 प्रोसेसर 6000 सीरीज है, जैसे कि इस पर लिखा हुआ है रिपब्लिक गेमर्स ने अपना बेस्ट गेमिंग जी टी एफ HD, ऐसा कोई से भी गेम हो आपको दिखा दिया, अभी हमने ग्राफिक कार्ड दिखा हुआ है। और ये गाइस हमारी पेन एक्टिवेट हो चुकी है, आप इसमें कुछ भी प्ले कर सकते हैं। तो गाइस ये हमने यहाँ पे सेटिंग को क्लिक कर लिया पेन की हेल्प से, तो हम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे टैप करेंगे, अरे उससे भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोबारा से, ये हमारा यहाँ पर आ गया अबाउट योर पीसी। कैसे पेन इसकी वजह से आप ये बहुत हेल्पफुल है, अगर आप इसमें व्हाइट बोर्ड से अगर आपको किसी टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो आप इसकी हेल्प से टीचिंग भी कर सकते हैं इस पर।